क्या हुआ? वो नेहा की तरफ झुकेगा, मीशा आई हुई है वहां। नेहा के यहां से जाने से मेरी जिंदगी पे तो कोई असर नहीं पड़ा ना। वो तुम्हें इंतजार के सूली पे लटकाए अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर सकता। तुम्हें उससे बात करनी होगी, अपनी अहमियत का एहसास दिलाना पड़ेगा। वैसे अम्मी और भाईजान से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। सब हमारी उम्मीदों पे पूरा उतना ही जरूरी तो नहीं है। खैर, हम क्यों उन बातों को याद करें जिनसे हमें तकलीफ मिले। छोड़ो इन्हें। तुम बताओ फरहाद कैसा है, कब आ रहे हैं आप? बड़ी लंबी उम्र है इसकी, साथ ही फोन आ गया। फोन तो उठाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आ चुका हूँ, घर जा रहा हूँ। मैं आ गए? चलिए ठीक है, मैं भी आ जाती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम एंजॉय करो। मैंने मारिया को कॉल की थी, उसी ने बताया तुम स्टे करने आई हो। जी, सो इट्स ओके। यार भाई स्पीड स्लो करो, सामने देखो। फरहाद, क्या हुआ है? हेलो, क्या हुआ मिशू? क्या हुआ है? मुझे लगता है फरहाद का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी बात करो, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? हेलो हेलो, हाँ कहाँ हुआ एक्सीडेंट मुझे बताओ। मैं ये तीन तलवार की तरफ हूँ। ठीक है, हमारे भाई, मैं भी जाऊंगी, प्लीज मुझे भी साथ लेकर जाए। नहीं, तुम घर रुको, वहां परेशानी होगी। भाई हमें जल्दी चलना चाहिए। भाई मुझे साथ ले जाए।